22 जनवरी यानी राम मंदिर के उद्घाटन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्योदय योजना की शुरुआत की थी और आज वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि सूर्योदय योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने से हर महीने करोड़ों परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ मिलेगा, जिसके तहत छतों पर सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सवाल उठता है कि मोदी सरकार लोगों को ये सुविधा कैसे देगी। तो बता दें कि निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रूफटॉप सोलराइजेशन के जरिए 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे। पूर्व का विकास हमारी सरकार पूर्ण ध्यान देगी। जो पूर्वी क्षेत्र है उसके विकास के लिए, उनके लोगों के लिए, जो भारत के विकास की महत्वपूर्ण धुरी हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कोरोना की चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन जारी है और 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। 2 करोड़ और आवासों को आगामी 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा, जो हम परिवारों की संख्या में वृद्धि के मद्देनज़र जो ज़रूरतें हैं उसके लिए पूरा किया जाएगा। जो सौर ऊर्जा और मुफ्त बिजली, जो छत पे सौर ऊर्जा लगाए जाएंगे उसके द्वारा 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट निःशुल्क विद्युत प्रति महीने दी जाएगी। यह योजना हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उन्होंने ये बात कही थी। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने की केंद्र की योजना की घोषणा की थी। इस योजना का मकसद निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्तियों को सौर छत प्रतिष्ठानों के जरिए बिजली प्रदान करना है। पीएम सूर्योदय योजना से उपभोक्ताओं का बिजली बिल कम आएगा और पैसे की बचत होगी। योजना के पात्र लोग अपनी खाली छत का सही इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लाभ हर उस भारतीय को मिलेगा जो सरकारी नौकरी से जुड़ा ना हो। साथ ही लाभार्थी की सालाना आय 1.5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि फ्री सोलर बिजली और अधिशेष बिजली वितरण कंपनियों को बेचने से परिवारों को हर साल 15 से 18 रुपए की कमाई होगी। साथ ही इसकी मदद से इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग भी की जा सकती है। छत पर सोलर पैनल लगाने और इंस्टॉलेशन के लिए बड़ी संख्या में वेंडरों को कारोबार करने का अवसर भी मिलेगा। वित्त मंत्री का कहना है कि छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए बड़ी संख्या में वेंडर्स की आवश्यकता होगी। ऐसे में कारोबार शुरू करने वालों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। वित्त मंत्री का कहना है कि विनिर्माण, इंस्टॉलेशन और रखरखाव में तकनीकी कौशल रखने वाले युवाओं के लिए ये रोजगार का अच्छा मौका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।